वडोदरा शहर जिला सहित राज्य भर में कोरोना वायरस का कहर मचते हुए अब अपने तीसरे चरण में पहुंचने के साथ गंभीर रूप धारण कर रहा है। जहां वडोदरा शहर में भी रॉकेट गति से बढ़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच अब लोगों में भी ये संक्रमण को लेकर चिंता का और कहीं ना कहीं डर दहशत का माहौल बना है। ऐसे में शहर के तमाम कोरोना टेस्ट सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ का नजारा कोविड टेस्ट की कामगिरी के लिए दिखाई पड़ रहा है। वडोदरा शहर में गंभीर रूप से कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है। रॉकेट गति के साथ बढ़ रहे वैसे कोरोना वायरस के संक्रमण में लोगों की मानसिकता पर अब एक बार फिर गंभीर असर पहुंचाई है, जहां लोगों के बीच अब डर और दहशत का माहौल पैदा हो रहा है। वडोदरा शहर में दिन प्रतिदिन गंभीर रूप से बढ़ रहे वैसे पॉजिटिव केस की तादाद में बढ़ावा होने के बीच लोग अब अपने जानमाल और स्वास्थ्य को लेकर काफी चिंतित और गंभीर बने हैं। ऐसे में वडोदरा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन संचालित वैसे तमाम अर्बन हेल्थ सेंटर सहित कोविड टेस्ट सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ का नजारा दिखने को मिल रहा है। तो वहीं कोरोना संक्रमण से डरे हुए लोगों द्वारा प्राइवेट अस्पताल में या तो फिर लेबोरेटरी के जरिए कोरोना का टेस्ट करवाने की कामगिरी की जा रही है। रॉकेट गति से बढ़ रहे वैसे कोरोना संक्रमण के बीच शहरी तमाम अर्बन हेल्थ सेंटरों पर लोगों की भारी भीड़ का नजारा कोविड टेस्ट को लेकर दिखाई पड़ रहा है। तो वहीं लोगों में भी अब कहीं ना कहीं मानो जागरूकता आ रही हो, वैसे वे लोग भी अब खुद से ही टेस्ट करवाने के लिए घर से बाहर निकल पड़ रहे हैं। तो वहीं कॉर्पोरेशन द्वारा जारी की गई कोविड टेस्ट की कामगिरी पर कहीं ना कहीं अर्बन हेल्थ सेंटर पर भी असुविधाएं नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर सोशल डिस्टेंस का कहीं भी पालन नहीं किया जा रहा। सोशल डिस्टेंस के पालन बगैर ही कोरोना टेस्ट की कामगिरी को लेकर गंभीर सवाल पैदा होते हुए ये संक्रमण और भी तेजी से बढ़े वैसी संभावना बनी है, जिसको लेकर शहर के सोमा तालाब तरसाली विस्तार में आए हुए वैसे कोविड टेस्ट सेंटर पर महिला कर्मचारी ने भी इस बारे में तंत्र को ताकीद किया है और जल्द से जल्द उनके लिए सही ढंग की सुविधा की व्यवस्था बनाई जाए वैसी मांग करते हुए अपनी नाराजगी और वेदना व्यक्त की थी। અમે ઉપર અરજી કરેલી છે, પરમિશન માંગી છે કે અમારે ટેસ્ટિંગની બહુ તકલીફ પડે છે, આટલા બધા જે પેશન્ટ હોય છે, હવે બધા કોઈ ડિસ્ટન્સ સાચવતું નથી હોતું, હવે એના માટે અમે જે સામેથી પ્રાયોરિટી માંગી છે કે અમને જગ્યા આપો। અત્યારે અમે જે આયુર્વેદિક હોસ્પિટલ છે ચંદ્રનગરની આગળની સાઈડ પર, ત્યાં ઘડી અમને એક રૂમ આપી છે, ત્યાં ઘડી અમે ટેસ્ટ કરીએ છીએ। બરાબર વિસ્તાર કહેવાય છે આ સોમા તલાવનો રોડ આવશે, મતલબ કે સોમા તલાવ તરસાલી રોડ કહેવાય। દિવસ દરમિયાનમાં 100 થી ઉપર તો મિનિમમ જતું જ રહે છે, મિનિમમ 100 થી ઉપર તો ટેસ્ટ થાય છે જ। કોઈક વાર એવું હોય છે કે આ લોકો કંઈક ઇમરજન્સી હોય કે કંઈક બહાર જવાનું હોય છે તો કરી દેતા હોય છે, પણ 100 થી તો વધારે થાય છે જ। છૂટકો તો છે નહીં, એટલા માટે હવે અહીંયા જે રૂમ આપી છે એ રીતે અમે કામગીરી કરીએ છે, જે આપી છે હવે ત્યાં સુધી તમને શું કરવાનું? હું સ્ટાફ નર્સમાં છું, અંકિતા પરમાર।